गाइस, मैं हूं तेजस्वी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी कंट्री के बारे में बताने वाली हूं जहां पर आजकल इंडियंस बहुत जाना पसंद करते हैं और उसका नाम है वियतनाम। वियतनाम इज़ अ कंट्री फिल्ड विथ वाइब्रेंट कल्चर, ब्रेथ टेकिंग लैंडस्केप एंड रिच हिस्ट्री, जहाँ पर मैं 15 डेज के लिए गई थी एंड आई एक्सप्लोर सो मैनी प्लेसेस एंड इट वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। तो अगर आप भी वियतनाम जाने का प्लान कर रहे हो तो दिस इज़ द ओनली वीडियो दैट यू नीड, बिकॉज इसमें मैं आपको सब कुछ बताने वाली हूँ, लाइक फ्लाइट बुकिंग, वीज़ा, देन आप कौन से प्लेसेस विजिट कर सकते हो। मैं आपको एक प्रॉपर आइटिनरी बना के देने वाली हूँ। ऑल्सो हम एंड में इसका बजट भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो थोड़ा लॉन्ग होने वाला है बट मैंने इसमें अलग अलग चैप्टर्स ऐड करके रखे हैं, तो अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में भी जानना चाहते हो तो आप वो चैप्टर पर जाके क्लिक कर सकते हो। तो अब सबसे फर्स्ट तो हम जानेंगे ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। वियतनाम जाने के लिए आप फ्लाइट की बुकिंग स्काई स्कैनर ऐप से कर सकते हो। द चीपेस्ट फ्लाइट इज़ वियतजेट, बट इसके चीपेस्ट टिकट में आपको चेक इन बैगेज जो है वो इंक्लूडेड नहीं होता है, वो आपको अलग से परचेस करना होगा वाइल बुकिंग द टिकट। अब एज वियतनाम एक लॉन्ग कंट्री है तो मैं तो आपको रेकमेंड करूँगी कि आप राउंड ट्रिप ना लें। अगर आप आपकी जर्नी फ्रॉम साउथ ऑफ वियतनाम से स्टार्ट करते हो, लाइक होचिमैन सिटी वगैरह से स्टार्ट करते हो, तो यू कैन एंड योर जर्नी समवेयर इन द नॉर्थ ऑफ वियतनाम, एज वियतनाम में मल्टीपल इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं। अब फ्लाइट बुकिंग के बाद वीज़ा अप्लाई करना मत भूलना। इंडियन सिटीजन्स के लिए वीज़ा इज़ रिक्वायर्ड इन वियतनाम। अब वीज़ा अप्लाई करना बहुत ही ज़्यादा ईजी है, मैंने लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर की है, आप उस पर क्लिक करके फिल कर सकते हो फॉर्म और वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। द ओनली थिंग्स दैट आर इम्पॉर्टेंट दैट इज़ योर पासपोर्ट, देन स्टार्ट एंड एंड डेट ऑफ योर जर्नी और एक होटल बुकिंग, दैट्स इट। वीज़ा का कॉस्ट होता है कुछ अराउंड $25 और वीज़ा आने में 3 to 4 बिजनेस डेज लगते हैं, तो मैं तो आपको बोलूँगी कि आप बहुत पहले ही करके रखें। अब जितना वीज़ा इंपॉर्टेंट है उतना ही इंश्योरेंस भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंटरनेशनल ट्रिप पर जा रहे हो तो ट्रैवल इंश्योरेंस ज़रूर लेना। मैं तो आपको रेकमेंड करूँगी कि आप पॉलिसी बाजार से ट्रैवल इंश्योरेंस लें, वहाँ पर मल्टीपल इंश्योरेंस प्रोवाइडर है जहाँ पर आप प्राइस कंपेयर कर सकते हो और उसमें से आपको जो बेस्ट डील लगे आपके ट्रैवल के लिए वो आप परचेस कर सकते हो। अब यहाँ पर ट्रैवल इंश्योरेंस के साथ ही साथ हेल्थ एंड टर्म इंश्योरेंस भी है, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक शेयर की है, अगर आप उस पर क्लिक कर दो तो यू विल गेट बेस्ट डील फ्रॉम पॉलिसी बाजार। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट अकोमोडेशन। वियतनाम में देर आर लॉट ऑफ होटल्स फ्रॉम बजट टू लग्जरियस, ऑल्सो देर आर हॉस्टल्स एज वेल फॉर सोलो ट्रैवलर्स, जिसकी बुकिंग आप booking.com से कर सकते हो। अब एक एडवांटेज ये है वियतनाम जाने का, दैट इज़ यहाँ पर आपको बहुत ही चीप प्राइस में बेस्ट होटल जो है वो मिल जाएगा विथ ऑल द एमिनिटीज एंड ऑल। तो आगे चल के मैं आपको डे वाइज आइटिनरी बताऊंगी, तो आप जैसे ही आपके डेज प्लान करते हो उस अकॉर्डिंगली आपके अकोमोडेशन जो है वो प्री बुक करके रख सकते हो। अब मेन ट्रांसपोर्टेशन एंड अकोमोडेशन तो जान लिया, बट वॉट अबाउट इंटरनल ट्रांसपोर्ट? सो लेट मी टेल यू, इंटरनल ट्रांसपोर्ट के लिए जैसे हमारे यहाँ पर ओला एंड उबर सर्विस चलती है, वैसे ही वियतनाम में ग्रैब ऐप चलता है, वहाँ से आप टैक्सी वगैरह जो है वो बुक कर सकते हो। देन सेकेंड इज़ बाइक ऑन रेंट। वियतनाम में आपको ऑलमोस्ट सभी जगह पर बाइक रेंट पर जो है वो मिल जाएगी, विच स्टार्ट्स फ्रॉम अराउंड 350 to 600 रुपीज़। बस उसके लिए आपको पासपोर्ट या फिर एक स्मॉल अमाउंट जो है वो डिपॉजिट करना होता है। अब अगर आप बाइक ऑन रेंट लेने का सोच रहे हो तो यहाँ से इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस लेके जाना मत भूलना। अब आफ्टर दैट वन सिटी टू अनादर ट्रैवल करने के लिए देर आर बेसिकली 3 वेज। फर्स्ट इज़ बाय फ्लाइट विच इज़ क्विकेस्ट ऑप्शन, देन सेकेंड इज़ बाय ट्रेन जिसकी बुकिंग आप 12 एशिया से कर सकते हो, और थर्ड इज़ बाय बस। मैं तो रेकमेंड करूँगी कि अगर आपके पास ज़्यादा दिन हुए तो आप ये तीनों मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें टू गेट अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। आगे चल के मैं आपको बताऊँगी आप कौन सी ट्रेन या फिर बस बुक कर सकते हो टू गेट दिस लवली व्यू। अब नेक्स्ट इज करेंसी एक्सचेंज एंड सिम कार्ड। वियतनाम की करेंसी को डोंग कहा जाता है। टू गेट अ बेस्ट एक्सचेंज रेट मैं तो आपको रेकमेंड करूंगी कि आप इंडियन रुपीस को पहले तो डॉलर में कन्वर्ट करें एंड डॉलर को वहां पर डोंग में कन्वर्ट करें। अब आप जैसे ही फ्लाइट से उतरोगे तो आपको मल्टीपल शॉप सीखेंगे करेंसी एक्सचेंज के, बट वहां पे बिल्कुल भी मत करना, आपको अच्छा एक्सचेंज रेट नहीं मिलेगा। तो आपको सिटी सेंटर में आना होगा उसके लिए, और सिटी सेंटर में मल्टीपल शॉप्स है जहाँ से आप करेंसी एक्सचेंज कर सकते हो। एयरपोर्ट से आप एक स्मॉल अमाउंट एक्सचेंज करके ले सकते हो कैब वगैरह बुक करने के लिए, एंड उसी के साथ आपको एयरपोर्ट पर सिम कार्ड के शॉप्स भी दिखाई देंगे, बट वहाँ पर बहुत कॉस्टली पड़ेगा, तो सिम कार्ड भी आप सिटी सेंटर में आके ही ले।
सिम कार्ड के दो टाइप्स होते हैं, एक है ओनली डेटा और दूसरा है मैसेज कॉल प्लस डेटा वाला। मैं तो रेकमेंड करूंगी कि आप मैसेज कॉल प्लस डेटा वाला सिम लें, बिकॉज उसमें आपको नंबर मिलेगा जो आपको ग्रैब पे लॉगिन करने में काम आएगा, या फिर वियतनाम में इंटरनली किसी को कॉल वगैरह करना होगा तो उसके लिए भी काम आएगा। अब बाकी सब तो देख लिया, नाउ लेट्स सी प्लेसेस टू विजिट इन वियतनाम। वियतनाम इज़ अ लॉन्ग कंट्री विच कैन बी फुल्ली एक्सप्लोर्ड इन अराउंड 30 डेज अप्रॉक्स, बट आप अपने हिसाब से 7 डेज, 10 डेज या फिर 15 डेज के लिए प्लान कर सकते हो, इन विच यू विल बी एबल टू सी सम रियली अमेजिंग प्लेसेस ऑफ वियतनाम। अब जैसे कि मैंने आपको ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे बताया दैट यू कैन स्टार्ट योर जर्नी फ्रॉम नॉर्थ या फिर साउथ ऑफ वियतनाम एंड एंड समवेयर इन द अपोजिट ऑफ दैट। तो मैंने मेरी जर्नी स्टार्ट की फ्रॉम हनॉय एंड एंड की एट होचीमिन। तो मैं आपको अभी 7 डेज से लेकर 10 डेज, 15 डेज ऐसे तीनों आइटिनरी शेयर करने वाली हूँ, जिसमें से सबसे फर्स्ट हम 7 डेज की आइटिनरी देखेंगे, जिसमें आपको सिर्फ 5 डेज हॉलीडे लेकर आप वियतनाम एक्सप्लोर कर सकते हो। अब इसके पहले मैंने जितने भी चीज़ें आपको बताई लाइक अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, सिम कार्ड, करेंसी एक्सचेंज, सब कुछ मैंने एक मेरे वेबसाइट पर भी डिटेल में सब कुछ प्रोवाइड किया है, तो उसकी लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर की है। आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको सारे डिटेल्स वहाँ पर एक ही साथ में मिल जाएंगे। डे वन, हनॉय। हनॉय इज़ अ कैपिटल ऑफ वियतनाम एंड ये नॉर्थ में होने की वजह से यहाँ का टेम्परेचर थोड़ा ठंडा रहता है, तो डू कैरी सम वार्म क्लोथ्स। हनॉय में टोटल 2 डेज यू कैन स्पेंड, जिसमें से डे 1 को आप हनॉय के सिटी सेंटर वाले प्लेसेस एक्सप्लोर कर सकते हो। अब ये एक्सप्लोर करने के लिए इधर यू कैन बुक अ टूर और गो बाय योरसेल्फ। वियतनाम में मल्टीपल ट्रैवल एजेंसी है जो आपको सिर्फ 1 डे टूर भी अरेंज करके देती है, जिसमें से आई फाउंड दिस रियली अमेजिंग टूर एजेंसी जिसका नाम है लिली ट्रैवल्स। दे आर वेरी गुड एट देयर सर्विस और इनका कॉस्टिंग भी है वो भी रीजनेबल है, तो मैंने इनका भी कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो नीचे शेयर किया है, आप वो चेक कर लेना। सो डे 1 इन हनॉय में यू कैन गो टू ट्रैन क्वॉक पैगोडा विच इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुद्धिस्ट टेम्पल सराउंडेड बाय द ह्यूज लेक। आफ्टर दैट वहीं से यू कैन गो टू होचीमिन्स मॉसिलम। ये मंडे को बंद रहता है तो ये चीज़ ध्यान में रखना, मंडेज को आप सिर्फ बाहर से इसे विजिट कर सकते हो जहाँ उनका घर, वर्किंग स्पेस एंड एक्सेट्रा देखने मिलेगा। वन मोर थिंग अबाउट दिस प्लेस दैट इज़ यहाँ प्रॉपर ड्रेस वेयर करके जाना, शॉर्ट स्लीवलेस वगैरह अलाउड नहीं है। आफ्टर दैट वहीं पर है वन पिलर पैगोडा विच इज़ ऑल्सो वेरी फेमस इन हनॉय। अब नेक्स्ट प्लेस इज टेम्पल ऑफ लिटरेचर जो कि फर्स्ट नेशनल यूनिवर्सिटी थी, बट ड्यूरिंग फ्रेंच वॉर इसे डिस्ट्रॉय किया गया, बट लोग आज भी यहाँ प्रे करने आते हैं बिफोर एग्जाम्स एंड ऑल। आफ्टर दिस नेक्स्ट प्लेस इज हाउ लो प्रिजन म्यूजियम। दिस वॉज अ प्रिजन इन हनॉय यूज बाय फ्रेंच कॉलोनिस्ट फॉर पोलिटिकल प्रिजनर्स एंड फिर बाद में वियतनामीज ने इसका यूज़ किया फॉर US प्रिजनर्स ड्यूरिंग वियतनाम वॉर। वन ऑफ द बेस्ट हिस्टोरिक प्लेस है जहाँ पर ऑडियो गाइड भी अवेलेबल है। ये सारे प्लेसेस सिटी सेंटर में है जो देख के इवनिंग में आप जा सकते हो यहाँ के फेमस ट्रेन स्ट्रीट पर। ट्रेन स्ट्रीट पर सिर्फ ऐसे ही जाना अलाउड नहीं है, तो इंस्टेड ऑफ दैट आप किसी कैफे में जाके बैठो ट्रेन स्ट्रीट के एंड ग्रैब अ कप ऑफ कॉफ़ी वगैरह। यहाँ अगर आप ट्रेन देखने के लिए आते हो तो डू चेक ट्रेन का टाइमिंग बिफोर विजिटिंग। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्लेस अमंग टूरिस्ट एंड एट लास्ट यू कैन एंड योर डे एट दिस नाइट मार्केट ऑफ हनॉय जहाँ आप शॉपिंग वगैरह करने आ सकते हो। ऑल्सो देर आर सम रियली अमेजिंग स्ट्रीट फूड विच यू कैन ट्राई। डे 2, हालोंग बे। ऑन डे 2 आप जा सकते हो हालोंग बे क्रूज राइड। अब यहाँ जाने के लिए मैं तो रेकमेंड करूँगी कि आप टूर ही बुक करें। यहाँ पर 1000 से भी ज़्यादा ऐसे आइलैंड्स हैं जो आपको इस क्रूज राइड से देखने मिलेंगे, जिसमें से एक आइलैंड जाएंगे टू वॉच वन ऑफ द बिगेस्ट केव नेम सरप्राइजिंग केव्स। ये केव सच में सरप्राइजिंग है। अगर आप टूर बुक करते हो तो आपको इसकी हिस्ट्री भी जानने मिलेगी और फिर आपको लेकर जाएंगे टी टॉप आइलैंड पर। टी टॉप आइलैंड पर बीच भी है टू स्विम एंड हैव फन और एक स्मॉल ट्रैक भी है। मैं गई थी तब हल्की सी बारिश स्टार्ट हुई तो मैंने दोनों भी स्किप किया था एंड एट लास्ट हम गए लुओन केव्स वेयर यू विल गेट टू डू कायकिंग या फिर बैम्बू बोट राइड। इस टूर में ये सबके साथ ही साथ लंच भी इंक्लूड होता है। ऑल्सो रिटर्न जाते टाइम सनसेट क्रूज पार्टी भी आपको एंजॉय करने मिलेगी। तो ये तो वन डे टूर हुई हालोंग बे की। अगर आप यहाँ पर क्रूज पर स्टे भी करना चाहते हो तो यहाँ पर स्टे के भी ऑप्शंस है। तो हनॉय में 2 दिन स्पेंड करने के बाद आप जा सकते हो नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट पकड़कर दानांग में।
दानांग इज ऑल्सो वेरी फेमस प्लेस इन वियतनाम, बट मैं रेकमेंड करूंगी कि आप दानांग में स्टे ना करें। इंस्टेड ऑफ दैट यू कैन स्टे इन होयान जो दानांग से 30 मिनट्स पर है। तो ऑन डे 3 यू कैन चेक इन एट योर होटल एंड इवनिंग में आप जा सकते हो होयान की लैंटन रिवर बोट राइड करने। होयान इज वेरी हैपनिंग एंड लिट अप, यहाँ हर जगह आपको लैंटर्न्स देखने मिलेंगे एंड मल्टीपल कैफेज वगैरह भी है। ये बोट राइड आप डायरेक्टली वहाँ जाके भी कर सकते हो और एल्स क्लूक ऐप से आप टूर भी बुक करके वहाँ पर जा सकते हो। ऑल्सो यहाँ पर नाइट में स्ट्रीट मार्केट भी आपको एक्सप्लोर करने मिलेगा। ऑन डे 4 फ्रॉम होयान यू कैन गो टू वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्लेस बाना हिल्स। अब इसकी भी आप टूर बुक करके जा सकते हो और एल्स यू कैन रेंट अ बाइक और बुक अ प्राइवेट कैब यहाँ पर जाने के लिए। ये टूर थोड़ा एक्सपेंसिव है एज इसका एंट्रेंस टिकट ही थोड़ा कॉस्टली है, बट इट्स टोटली वर्थ इट। यहाँ आने के दो बैचेस होते हैं, मॉर्निंग एंड आफ्टरनून। आई विल रेकमेंड कि आप मॉर्निंग वाला बैच जाए जिसमें आपके लिए लंच भी इंक्लूडेड होगा। अब एज बाना हिल्स काफ़ी हाइट पर है तो वहाँ का टेम्परेचर मोस्टली ठंडा रहता है एंड इवन बारिश के भी हाई नंबर ऑफ चांसेस होते हैं, तो डू कैरी अम्ब्रेला फॉर सेफर साइड। यहाँ मस्त आपको केबल का राइड का एक्सपीरियंस करने मिलेगा फॉर 15 मिनट्स विच वॉज अमेजिंग। आफ्टर दैट देर इज फ्रेंच विलेज, देन ह्यूज इंडोर एम्यूजमेंट पार्क जहाँ पर कई सारे राइड्स एक्टिविटीज फ्री भी है जो आप कर सकते हो। यहाँ सेल्फ ड्राइव रोलर कॉस्टर भी है विच इज पेड बट टोटली वर्थ इट, तो वो तो डेफिनेटली करना। अब आफ्टर ऑल दिस यू कैन ऑल्सो विजिट टॉप ऑफ द पीक जिसके लिए एक और स्मॉल केबल कार राइड करनी होती है एंड एट लास्ट यू कैन गो टू द वेरी फेमस गोल्डन ब्रिज। यहाँ बहुत ज़्यादा क्राउड होता है तो मुश्किल से ही फोटो क्लिक करने मिलेगा आपको, तो मैं तो बोलूँगी कि आप इंस्टेड ऑफ फोटोज वगैरह जस्ट एन्जॉय द मोमेंट। ऑन डे 5 अर्ली मॉर्निंग दानांग टू होचीमैन की फ्लाइट बुक करिए एंड अराउंड 1 आवर में आप साइगॉन दैट इज होचीमैन सिटी पहुँच जाओगे। अब जिस दिन आप होचीमैन सिटी पहुंचोगे दैट डे यू कैन जस्ट विजिट सम ऑफ द सिटी सेंटर वाले प्लेसेस जिसमें से एक है वॉर म्यूजियम वेयर यू विल गेट टू नो द सैड हिस्ट्री ऑफ वियतनाम वॉर। म्यूजियम काफ़ी बड़ा है तो बहुत चलना पड़ेगा, बट इट्स वर्थ विजिटिंग इफ आपको हिस्ट्री जानने में इंटरेस्ट है तो। एंड देन फ्रॉम देयर यू कैन गो टू इंडिपेंडेंस पैलेस। होचीमैन सिटी एक बहुत पुरानी एंड बड़ी सिटी है जहाँ लोग शॉपिंग करना बहुत पसंद करते हैं, तो ये है यहाँ का फेमस बैन थन मार्केट। इस मार्केट में शॉपिंग जाना हो तो अपने बार्गेनिंग स्किल्स स्ट्रांग रखना, आपको चीज़ें बहुत चीप में मिल जाएगी। अब इसके अलावा यहाँ नाइट लाइफ भी काफ़ी फेमस है। यू कैन गो टू द वॉकिंग स्ट्रीट जो वीकेंड्स के टाइम फुल नाइट ओपन रहता है। अब नेक्स्ट डे दैट इज़ ऑन डे 6 यू कैन बुक फुल डे टूर फॉर कुची टनल्स एंड मेकोंग डेल्टा। ये दोनों भी प्लेसेस काफ़ी फेमस है। कुची टनल ये एक हिस्टोरिक प्लेस है वेयर ऑन अदर हैंड मेकोंग डेल्टा ये टूर एक बोट राइड वाली है जो आपको वन ऑफ द बिगेस्ट आइलैंड पर लेके जाती है एंड देर आर सो मैनी फन एक्टिविटीज़। सो अब एट लास्ट ऑन डे 7 यू कैन गेट अ रिटर्न फ्लाइट फ्रॉम होचीमैन सिटीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो गाइज ये तो हुए 7 डेज की आइटिनरी, मैं आपको इसका एक क्विक रिकैप आपको बताती हूँ। दैट इज़ 2 डेज इन हनॉय, 2 डेज इन दानांग प्लस होयान एंड लास्ट 2 डेज यू कैन स्पेंड इन होचीमैन सिटी। तो अगर आप इससे ज़्यादा डेज दैट इज 10 डेज की आइटिनरी प्लान कर रहे हो तो मैं आपको इस पहले वाले आइटिनरी में कुछ एडिशनल प्लेसेस बताऊंगी। दैट इज़ यू कैन स्पेंड 3 डेज इन हनॉय, पहले 2 दिन तो मैंने आपको बताया दैट इज सिटी टूर एंड हालोंग बे, बट ऑन 3rd डे यू कैन गो टू विजिट निनबिन। अब निनबिन टूर में यू कैन विजिट हाउ लू टेम्पल जो वियतनामी किंग का घर हुआ करता था, देन वहाँ से आप जा सकते हो टैम कॉक बैम्बू बोट राइड। ये वन ऑफ द बेस्ट बोट राइड है जहाँ आपकी बोट 3 बड़े बड़े केव्स के नीचे से जाती है एंड ये कुछ अराउंड 1 आवर की बोट राइड होती है। यू कैन क्लिक मल्टीपल पिक्चर्स एंड एन्जॉय द सीनिक व्यू हियर। एंड एट लास्ट यू कैन विजिट यहाँ का फेमस मुआ केव जिसे डांसिंग केव भी कहा जाता है। इस केव के टॉप पर पहुँचने के लिए आपको 500 प्लस स्टेप्स चढ़ना होगा, बट जो ओल्ड एज लोग हैं वो यहीं पर नीचे रेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत कुछ है देखने जैसा एंड दिस प्लेस इज ऑल्सो वेरी फोटोजेनिक। तो अब हनॉय में 1 डे एक्सटेंड करने के बाद यू कैन गो टू दानांग, सेम जो मैंने आपको पहले आइटिनरी में बताया, बट आप दानांग में भी 1 डे और स्टे कर सकते हो एंड यू कैन डू 1 डे टूर ऑफ मार्बल एंड मंकी माउंटेन। मार्बल माउंटेन्स वेर यू विल गेट टू सी हेवन एंड हेल।
द नेक्स्ट प्लेस इज एम्पू केव्स। ये सारे प्लेसेस जो है उनके लिए चढ़ना होता है, बट यहाँ एलिवेटर का भी ऑप्शन है विच इज चार्जेबल, तो आप एलिवेटर से भी जा सकते हो। द व्यू फ्रॉम द टॉप इज जस्ट ऑसम। आफ्टर दिस देर आर फ्यू मोर प्लेसेस लाइक जायंट स्टैचू ऑफ लेडी बुद्धा, देन वहीं पर मंकी माउंटेन भी है। ये सारे प्लेसेस देखकर इवनिंग में आप जा सकते हो ड्रैगन शो देखने। मैंने ये सभी प्लेसेस की डायरेक्शन लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में ऑल्सो मेरी वेबसाइट पर भी शेयर किए, तो आप वो ज़रूर चेक करना। ड्रैगन शो के बाजू में नाइट मार्केट भी है दानंग का फॉर शॉपिंग, बट ये दोनों भी प्लेसेस दैट इज ड्रैगन शो एंड शॉपिंग मार्केट सिर्फ सैटरडे संडे को ही चालू रहते, तो ये चीज़ ध्यान में रखना। तो गाइज मैंने आपको 7 days एंड 10 days की कंप्लीट आइटिनरी शेयर की है। अब अगर आप मोर देन 10 days यहाँ पर आते हो तो देर आर फ्यू मोर प्लेसेस विच यू कैन विजिट, और आप अपने हिसाब से ये आइटिनरी जो है वो कस्टमाइज कर सकते हो। हनोई के नियर में देर आर 2 more प्लेसेस जहाँ पर आप जा सकते हो। 1 इज हाजांग एंड अनादर इज सापा। इफ यू लव राइडिंग अ बाइक देन यू कैन गो टू हाजांग लूप मोटर बाइक राइड। इसके लिए हनोई से बसेस निकलती है और टोटल 3 days की टूर होती है। 350 किलोमीटर का लूप है जो आपको 3 days में कंप्लीट करना होता है एंड इट्स जस्ट अमेजिंग। इसमें ना सिर्फ बाइक राइड बल्कि मल्टीपल प्लेसेस पर रुकाया जाता है लाइक हेमशॉप, बोट राइड, साइट सीइंग पॉइंट, ऑल्सो यू विल गेट टू एक्सप्लोर विलेज लाइफ ऑफ वियतनाम। यहाँ जाने के भी पैकेज होते हैं जिसमें बाइक, हेलमेट, फ्यूल कॉस्ट, स्टे, फूड एंड इवन ईजी राइडर भी इंक्लूडेड होता है। तो जिन्हें बाइक चलाने नहीं आती है वो भी यहाँ आके ईजी राइडर के पीछे बैठकर जा सकते हैं, और जिन्हें यहाँ की बाइक चलाना है वो अपने साथ इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस जरूर कैरी करें। देन नेक्स्ट प्लेस इज सापा। अगर आपको बाइक राइड नहीं पसंद तो यू कैन गो हियर। ये प्लेस फेमस है फॉर ट्रैकिंग जहाँ आपको स्टनिंग नेचुरल ब्यूटी विटनेस करने मिलेगी। अब हनोई से दानांग आते ही मैंने ऑलरेडी दानांग के कुछ फेमस प्लेसेस आपके साथ शेयर किए लाइक होयान का लैंटर्न रिवर बोट राइड वगैरह, तो वैसे ही यू कैन स्पेंड 1 more day इन होयान एंड डू बैम्बू बास्केट बोट राइड। इट्स फन। इसमें आपको बास्केट बोट परफॉर्मेंस देखने मिलेगा, देन रेस होती है यहाँ पर एंड एट लास्ट यू कैन डू सम क्रैब फिशिंग एज वेल। अब बस इतना ही नहीं बल्कि उसके बाद आप जा सकते हो फिशरमैन्स हाउस फॉर कुकिंग क्लास। इफ यू लव कुकिंग और यू वांट टू गिव इट अ ट्राई देन यू मस्ट डू दिस। यहाँ आपको 7 local वियतनामीज डिशेस का कुकिंग कोर्स करने मिलेगा जिसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया एंड मेन थिंग इज खुद के हाथ का बनाया हुआ वियतनामीज फूड खा के भी मुझे बहुत अच्छा लगा। आफ्टर दैट दानांग के बाद डायरेक्टली होचीमैन सिटी जाने की जगह बीच में देर आर 2 more प्लेसेज विच यू कैन विजिट। 1 इज नात्रांग एंड अनादर इज दालात। इफ़ यू आर अ बीच लवर तो आप नात्रांग जा सकते हो। इट्स वेरी ब्यूटीफुल एंड यहाँ पर वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज़ वगैरह करने आपको भी मिलेंगे। और इफ़ यू आर अ माउंटेन लवर तो आप जा सकते हो दालात। दालात एक हिल स्टेशन है जो फेमस है फॉर वाटरफॉल्स एंड ऑल। यहाँ पर आपको सब कुछ फ्रेंच स्टाइल आर्किटेक्चर देखने मिलेगा एज यहाँ फ्रेंच लोग रहा करते थे। डू विजिट क्रेजी हाउस इन दालात। इट्स ऑल्सो नोन एज वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रेंज बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। दालात इज अ वेरी रोमांटिक प्लेस, तो इफ़ यू आर अ कपल देन डू विजिट हियर वंस। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप मोर देन 10 days ट्रैवल कर रहे हो तो मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन में ट्रेन एंड ओवरनाइट बसेस का भी यूज़ करें। मैंने निनबिन टू दानांग ट्रेन राइड की एंड द व्यू वॉज जस्ट ऑसम। आई नो डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है बट अगर आपके पास एक्स्ट्रा डेज हो तो एक बार दूसरे कंट्री में आके ट्रेन या फिर बस राइड का एक्सपीरियंस भी ले इंस्टेड ऑफ जस्ट फ्लाइट्स। देर आर सेवरल बसेस जो कि ओवरनाइट बसेस होती है विच विल ड्रॉप यू फ्रॉम 1 city टू अनादर। अब फ्लाइट के कंपैरिजन में इट्स मोर चीपर बट इट्स टेक्स लॉट ऑफ टाइम, बट फ्लाइट जो है वो आपको हार्डली 1 hour में पहुँचा देगी। वियतनाम का फूड इज़ अमेजिंग। अगर आप नॉनवेज खाते हो तो यू मस्ट ट्राई यहाँ के कुछ लोकल फूड लाइक बांग मी, फो, राइस पैनकेक जिसमें पोक एंड श्रिम्प होता है एंड मैनी मोर। यहाँ पर मल्टीपल कैफेज एंड रेस्टोरेंट्स भी है। अब अगर आप वेजिटेरियन और वीगन हो तो यू कैन डाउनलोड दिस ऐप कॉल्ड हैप्पी काउ जिसमें आपको वेज रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे। फॉर इंडियंस देर आर फ्यू इंडियन रेस्टोरेंट्स इन मेजर सिटीज ऑफ वियतनाम, बट अगर आप हाजांग जैसी जगह जाओ तो वहाँ आपको इंडियन रेस्टोरेंट जो है वो नहीं मिलेगा। वियतनाम में देर आर मैकडी, KFC एंड डोमिनोज एज वेल, बट डोंट एक्सपेक्ट द सेम मेन्यू जो आपको यहाँ पर मिलता है।
अब वेजिटेरियंस के लिए देर आर ऑल्सो सम फ्रूट्स के ऑप्शंस, यहाँ मैंगो वगैरह काफ़ी फेमस है तो वो आप खा सकते हो, और एल्स सर्कल के वगैरह जैसे मार्ट यहाँ पर अवेलेबल है जहाँ पर जाके यू कैन बाय दिस वेज कप नूडल्स जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगे मुझे। सो बिफोर गोइंग टू वियतनाम हियर आर फ्यू मोबाइल एप्स दैट यू मस्ट डाउनलोड ऑन योर मोबाइल। फर्स्ट इज गूगल ट्रांसलेटर। वियतनाम में देर आर फ्यू पीपल जिन्हें बहुत अच्छे से इंग्लिश आती है बट कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें बिल्कुल भी नहीं आती, तो यू कैन यूज़ दिस ऐप। इसमें सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ करना, दैट इज़ वियतनामीज लैंग्वेज डाउनलोड करके जाना सो दैट ये ऑफलाइन भी वर्क करेगा। इसी ऐप का एक और फ़ायदा ये है कि आप मेन्यू वगैरह भी इसमें ट्रांसलेट करके देख सकते हो। द नेक्स्ट इज़ हैप्पी काउ। दिस ऐप इज स्पेशली फॉर वेजिटेरियंस एंड वीगन पीपल। आपको इसमें वेज रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे और यू कैन सर्च आंचे इन मैप, इट मीन्स वेजिटेरियन। आपको वेज रेस्टोरेंट्स के लोकेशंस जो है वो आपके आसपास के वो दिख जाएंगे। देन थर्ड इज़ ग्रैब। ग्रैब इज़ लाइक ओला उबर, इससे आप कैब बुक कर सकते हो। ऑल्सो ग्रैब में मोटरबाइक का भी ऑप्शन है फॉर सोलो ट्रैवलर्स और ये पूरे वियतनाम में सभी जगह पर चलता है। ऑल्सो यही एप्लीकेशन से आप फूड वगैरह भी ऑर्डर कर सकते हो। देन नेक्स्ट इज ट्वेल्गो एशिया एंड स्काई स्कैनर। ये ट्रांसपोर्टेशन के ऐप्स है। ट्वेल्गो एशिया से आप ट्रेन का बुकिंग कर सकते हैं एंड स्काई स्कैनर से यू कैन बुक अ फ्लाइट। एंड लास्ट ऐप इज एक्सी करेंसी कन्वर्टर। ये आपको स्टार्टिंग में बहुत काम आएगा एज वियतनाम की करेंसी बहुत अलग है। वियतनामीज डोंग अगर आप देखोगे तो काफ़ी बड़े बड़े नोट्स है उनके, लाइक 10,000 डोंग, 100,000 डोंग एंड एक्सेट्रा, तो आपको ये करेंसी कन्वर्ट करने में काम आएगा। सो आफ्टर ऑल दिस हियर आर फ्यू टिप्स इफ यू आर ट्रैवलिंग टू वियतनाम। वियतनाम का जो वेदर है वो काफ़ी चेंज होता रहता है, तो आप दोनों टाइप ऑफ क्लोथ्स कैरी कर सकते हो। ऑल्सो कभी कभार बारिश भी होती है तो डू कैरी अम्ब्रेला एंड रेनकोट। देन सेकेंड एंड इम्पॉर्टेंट टिप इज वाइल पैकिंग योर बैग लीव सम एम्प्टी स्पेस, एज यहाँ पर कई सारे शॉपिंग मार्केट्स है जिसकी डायरेक्शन की लिंक मैंने मेरी वेबसाइट पर ऑलरेडी शेयर की है, आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हो। आपको यहाँ पर बेस्ट प्राइस में काफ़ी सारे चीज़ें जो है वो मिल जाएंगी। सो बिफोर एंडिंग दिस वीडियो मैं आपको एक शॉर्ट रिकैप देती हूँ ये सारे आइटिनरीज का। सो अगर आप 7 days के लिए प्लान कर रहे हो तो आप 2 दिन हनॉय में स्पेंड कर सकते हो, देन 2 दिन दानांग एंड होयान में, और लास्ट 2 days आप स्पेंड कर सकते हैं होचिमिन सिटी। आफ्टर दैट फॉर 10 days हनॉय में आप एक और दिन ऐड कर सकते हो जिसमें आप निन बिन टूर कर सकते हो। देन यू कैन एक्सटेंड 1 more day इन दानांग एंड यू कैन स्पेंड 3 days इन होचिमिन। एंड एट लास्ट इन 15 days आइटिनरी आप 3 days का हाजियांग लूप कर सकते हो जो कि हनॉय से होता है, या फिर आप जा सकते हो सापा। Then you can extend 2 more days in Dalat या फिर Natrang जो कि दानांग एंड होचिमिन के बीच में आता है। सो गाइज ये थी वियतनाम की कंप्लीट आइटिनरी। मैंने इस वीडियो में 7 days से लेकर 10 days, 15 days ऐसे मल्टीपल आइटिनरी शेयर किए हैं और सारी चीज़ें बताई है जो आपको वियतनाम ट्रिप के लिए काम आएगी। तो ये पूरा वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, तो अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, अच्छा लगा होगा, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को भी लाइक कर देना। ऑल्सो आप जिस भी अपने फ्रेंड के साथ वियतनाम ट्रैवल कर रहे हो उन्हें भी ये वीडियो शेयर करना ताकि आप साथ में बैठकर अपना ट्रिप जो है वो प्लान करें। उसी के साथ आपको जो भी डाउट होगा वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपका डाउट जो है वो क्लियर करके दूंगी। बाय दैट टाइम कीप ट्रैवलिंग विद तेजस्वी।